कि चारा काटा जाता है और यहाँ पर काट के रखा भी गया है काफी सारा, ये देख सकते हैं। और काफी गांव की अच्छी मशहूर मशीन होती है, जो अभी दादी जी वहाँ पर बैठ खड़ी हुई है, जो कि कह रहे हैं वीडियो निकाल दो हमारा। गांव के बूढ़े लोग रेडियो सुनते सुनते कब शाम हो जाती इनको पता ही नहीं, तभी के टाइम चार्जिंग लगाया जाता है। इस भैंस के बच्चे को कुछ पता ही नहीं, जिससे गांव कहते हैं। और धूप में खड़े खड़े बैठे हुए खेत में काम करते हुए किसान पूरी गांव को चलते हुए खेतों में खुशहाली हरियाली के साथ धान फोड़ते हुए गांव किसी गांव कहते हैं। और सब मंदिर बच्चे खेल रहे होते हैं मंदिर पे, इसे कहते हैं गांव। और बच्चे झूले पे झूलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे प्यारे से ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अभी सुबह की बजे जो कि 9 अभी के टाइम हम आ चुके हैं मंदिर के पास जो कि, और ये हमारे साथ अन्ना भी आई हुई है। और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप भी खुल चुकी है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर गाय वाय चल रहे हैं क्या। हाँ, और भाई हम आए थे मंदिर के पास, जो कि आप सबने काफ़ी बार ये मंदिर की वीडियो देखी होगी, और यहीं पर आए थे। और भाई साहब, आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे गांव की स्टाइल लाइफ, जो कि कैसी रहती है अभी के टाइम आप सबको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपना पड़ाव। और दोस्तों, अभी के टाइम हम आ चुके हैं अपनी बगीचे में, जो कि भाई साहब आप सबने काफ़ी बार भी देखा होगा, हमारा बगीचा काफ़ी बड़ा बगीचा है। इस तरह देख सकते हैं, अभी बगीचे के आगे साइड खड़े हुए हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप सब। और यहाँ पर लाइट वाइट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक है, यहीं तक है, वहाँ से गांव से आई हुई है और साइकिल से आए थे इस समय। और भाई साहब देखते हैं कितना बड़ा बगीचा है, बहुत घना बगीचा है भाई। और साइड वहाँ पर वो है पीपल का, बरगद का पेड़ और पीपल का। और ये हम साइकिल से आए थे, क्योंकि काफ़ी दूर, थोड़ा दूर पड़ता है ना, इसलिए आए थे साइकिल से। और यहाँ पर एक कुआं है, जो कि काफ़ी पुराना कुआं है, हमारे जब हमारे परदादा दादा रहते थे तब का ये कुआं है। और यहाँ पर एक टेबल भी रहती थी, जो कि वो भी टूट चुकी है अभी के टाइम। और ये यहाँ का पेड़ ओड़ जो होता है खंखाड़ हो चुका आगे का सबसे। और कुछ इस तरह हमारा बगीचा है। अभी चलते हैं आप सबको लेकर दूसरे लोकेशन पे, जो कि आप सबको अभी थोड़ी देर में मिलता भी है दूसरे लोकेशन पे। अभी के टाइम मैं आ चुका हूँ अपने गांव के पास, जो कि देख सकते हैं अभी सब आप पुराने जमाने की कोयर काटने वाली मशीन, जो कि चारा काटा जाता है और यहाँ पर काट के रखा भी गया है काफ़ी सारा, ये देख सकते हैं। और काफ़ी गांव की अच्छी मशहूर मशीन होती है, जो कोयर कटने वाली, चारा काटने वाली। और यहाँ पर कुछ गाय बांधी गई है, ये देख सकते हैं, जो गौशाला बोला जाता है हमारे गांव में। और छोटा सा बच्चा गाय का भी दिखाते हैं आप सबको, ये छोटा सा बच्चा गाय का, ये भाई साहब। और गांव की ज़िंदगी यही तो होती, यही सब खुश नसीबी होती है। और यहाँ पर छुई मुई का पेड़ है, देखिए भाई, छूने से ही देखिए ये सूख जाता है छूने से ही। और ये छुई मुई का पेड़ काफ़ी अच्छा भी होता है। अभी के टाइम हम चलते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे। दोस्तों, मैं घर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बांदर है, ये देखिए लंगोड़िया बंदर, भाई साहब गांव में ही आया हुआ है और सड़क पे बैठा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। और सब लोग देख रहे हैं, ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, अभी अभी आया। और हमारे भाई लोग जो किए हैं और ये देखिए अभी दादी जी वहाँ पर बैठ खड़ी हुई हैं, जो कि कह रहे हैं वीडियो निकालो हमारा। अभी के टाइम मेरे घर पे आ चुका है, और जो कि ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे घर के पास, भाई साहब ये देखिए। और गेट बंद है, देखिए अंदर दुकान है।
और अभी हम चलते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे, लेकिन माइक अभी टाइम नहीं लगाए हुए हैं। और अभी के टाइम हम आ चुके हैं अपने पुराने दंकल पे, जो कि इंजन पे पड़ा जाता है, ट्यूबवेल भी बोली जाती है, और इसी साइड यहीं पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए भैंस बांधी गई है, एक यहाँ पर बांधी है, एक वहाँ पर, और काफ़ी झाल भी हो चुकी है इसमें, इस बगीचे में, जो कि पहले हम सब यहाँ पर खेलते थे बहुत ज़्यादा भाई साहब। अभी तक झाल हो चुकी है बारिश में, फिर जब हल्की गर्मी हल्की ठंडी आएगी तो सफा हो जाता है ये। और ये दंकल है काफ़ी पुराना, आप सब ने काफ़ी बार देखा होगा हम यहाँ पर वीडियो बनाई। और चलते हैं, आज का अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगे, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सपोर्ट भी करना। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कल की सुबह, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।